देश भर में फिर एक बार धार्मिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। मामला जुड़ा है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से। पिछले हफ्ते मथुरा सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अवैध रूप से खड़ी ईदगाह मस्जिद को उस स्थान से हटाया जाए। फिर बुधवार को जज साहब ने यह कहते हुए इस याचिका को निरस्त कर दिया कि यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों के विरुद्ध है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। सारा मामला अटक गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, और इस वीडियो में हम इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ही बात करेंगे। आखिर क्या है ये एक्ट, कब बना और इसके प्रावधान क्या क्या है। दरअसल 1990 के दौर में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने अयोध्या जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया। साथ ही इन दलों ने देश की धार्मिक सद्भावनाओं को बनाए रखने हेतु मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए 30,000 मंदिरों के बदले सिर्फ 3 मंदिरों यानी अयोध्या, मथुरा और काशी की मुक्ति का संकल्प लिया, जिसका देश भर के हिंदू समाज ने भरपूर समर्थन किया, जिस पर तब की नरसिम्हा राव वाली कांग्रेस सरकार ने विरोध करते हुए संसद में एक बिल रखा। इस बिल का नाम था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सितंबर 1991 में इस बिल को पास कर दिया गया। इस बिल में प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 से देश में किसी भी पूजा किए जाने वाले स्थान का जो धार्मिक रूप है, इस तारीख के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। साथ ही इस एक्ट ने यह भी तय किया कि 15 अगस्त 1947 के बाद देश के किसी भी न्यायालय में किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए लंबित या चल रहे विवाद को नियत तारीख के बाद वॉइड या निरस्त किया जा सके, जिस पर आगे किसी कानूनी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इस मामले में अयोध्या को बाहर रखा गया। 10 सितंबर 1991 को देश के तत्कालीन गृह मंत्री एसवी चौहान ने कहा था कि आजादी के समय इस देश में धार्मिक सामंजस्य और भाईचारे को ठेस पहुंची है, जिसे फिर से ठीक करने के लिए ये अधिनियम अविसंभावी साबित होगा और इस देश को उसका पुराना गौरव वापस दिलाएगा। अब अगर कोई भी राजनीतिक या सामाजिक दल किसी भी स्थल को बदलने का प्रयास करता है तो यह अधिनियम उसे वैसा करने से रोकता है। सिर्फ संसद ही इस अधिनियम की शक्तियों को शून्य कर सकती है। हालांकि इस नियम ने धार्मिक स्थलों को लेकर भविष्य में होने वाली मुस्लिम या हिंदू समुदाय के किसी संघर्ष की संभावना पर तो रोक लगा दी, पर अतीत में तोड़े गए 30,000 से अधिक हिंदू मंदिरों पर यह बिल और तत्कालीन सरकार पूरी तरह मौन थी। और मथुरा मामले में कोर्ट ने इसी एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को सिरे से निरस्त कर दिया है। आप देख रहे थे TFP न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए। सभी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thefourthplug.in को विजिट कीजिए, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए TFP न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।